कल से नवरात्र उत्सव की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में लगातार दो सालों तक कोरोना की वजह से लागू रहे प्रतिबंधों के बाद इस बार चिंचपोकली में दुर्गा पूजा के विशाल आयोजन की तैयारी चल रही है। कोरोना की वजह से दो साल तो मूर्ति थोड़ा बिक्री में थोड़ा कमी आई थी, 4 फुट तक उसका गवर्नमेंट का लिमिट था, लेकिन अभी ये सब ये सरकार की वजह से या नया नियम की वजह से पूरा मूर्ति का सेलिंग भी बढ़ा है। मूर्ति भी लोग खुशी से लेके जा रहे हैं, जितना उनका हाइट था पहले 5 फुट 6 फुट 6 जो उनका हाइट रहेगा वो सब लेके जा रहे हैं, मूर्ति का भी बिक्री अच्छी हो रहा है। कोविड के बारे में बोले तो कोविड जिस टाइम आया था उस टाइम में थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी, मैं हम लोग को कामगारों को भी परेशानी बढ़ी और जो कारखानादार है उनको तो और बढ़ गई। दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनाने में कारगिर दिन रात एक कर रही है, वही पूजा समितियाँ त्योहार को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण मुंबई में लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हो सका था। वही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस साल नवरात्रि त्योहार में इजाजत मिलने के बाद मुंबई में उत्साह दिख रहा है। इस साल तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, परमिशन मिला है तो अगले साल भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार कोरोना के नियम हटने के बाद हमें इसका लाभ मिलेगा। इस बार बड़े पैमाने पर हमें मूर्तियों की बुकिंग मिली जिसे लेकर हम काम कर रही हैं। इस बार लोगों में नवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है। मेरी तो बात ऐसी है कि मैं एक इसमें का कारागिर नहीं, इनका मालिक मैं नहीं हूँ, मैं एक कारागिर पेंटर हूँ और मैं सिंधुदुर्ग में रहता हूँ, उधर से हर साल मैं पेंटिंग करने को इधर आता है। अभी मैं तो कम से कम 14-15 साल में तो इधर आता है काम करने के लिए और आगे भी आएगा, वो माता जी का कृपा होगा तो आएगा आगे भी और गणपति का भी। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।